अमेच्योर। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इन्फ्लेशन, क्या क्या हुआ है, हमारा बेसिक रिप्लेसमेंट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, सेंसिटिविटी, चार हो गया, लिखोगे पांच, इन्फ्लेशन इन कैपिटलिस्ट। हाँ जी, हम जो निकालते हैं एनपीवी, हम ये कहते हैं भाई ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ये 100 रुपए का बिकेगा, ठीक है, और उसमें अभी तक इन्फ्लेशन वाली बात ही नहीं किया कि हमारा अनुमान है कि 100-100 रुपए का बिकेगा हर साल। बेवकूफी है, हर साल कैसे 100-100 रुपए का बिक सकता है, इन्फ्लेशन का भी तो फर्क पड़ेगा। हाँ सर, तो जो कैश फ्लो अभी तक ले रहे थे वो आप रियल ले रहे थे, रियल, रियल का मतलब बिना इन्फ्लेशन के, रियल नाम दूंगा मैं, पर एक्चुअल में अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये प्रोडक्ट जो अनुमान लगाया वो 100 रुपए का लगाया आज के प्राइस के हिसाब से बेस ईयर, पर यार ये तो 10-10% महंगा होगा, मतलब जो प्रोडक्ट 100 रुपए का वो एक साल बाद 110 का हो जाएगा, तो 110 और उसके बाद फिर और बढ़ा देंगे 10%, तो इसका मतलब यह है कि अब मुझे इसमें इन्फ्लेशन जोड़ना पड़ेगा। उस कैश फ्लो को क्या वो नाम देंगे, उस कैश फ्लो को नाम दिया जाता है इन्फ्लेटेड कैश फ्लो, इन्फ्लेटेड या नॉमिनल कैश फ्लो। अच्छा सर, एक कौन सा होता है रियल कैश फ्लो जिसमें इन्फ्लेशन नहीं होता, एक कौन सा होता है नॉमिनल कैश फ्लो जिसमें हम इन्फ्लेशन जोड़ देते हैं, ठीक, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। ओके, तो अभी तक जो दिया रहता तो वो रियल दिया रहता था और उसमें हम इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन का रेट दिया गया तो उसको हम कंसीडर करें। अब और एक समस्या है, डिस्काउंटिंग रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या होता था जरा सोचो, मैंने जिन लोगों से पैसा लिया है वो मुझे सिर्फ 10% का डिमांड कर रहे थे, 10%, ठीक है, लेकिन यार जब इन्फ्लेशन का असर मुझ पे पड़ रहा है, मेरे कैश फ्लो पे पड़ रहा है, तो जो डिस्काउंटिंग रेट है उस पे भी तो असर पड़ेगा, वो भी तो मुझसे इन्फ्लेशन की वजह से उसका प्रीमियम भी तो मांगेंगे एक्स्ट्रा। यस, पहले जो डिस्काउंटिंग रेट हुआ करता था रियल डिस्काउंटिंग रेट बिना किसी इन्फ्लेशन के 10% मांग रहे थे, दिस इज रियल, मन से बोल रहा हूं 10%, पर अब इन्फ्लेशन है 2%, तो 2% का इफेक्ट उधर भी तो पड़ना चाहिए, तो 2% और उसमें हम ऐड करेंगे, हालांकि वो फैक्टर ऐड होता है, तो उसको हम उस डिस्काउंटिंग रेट को बोलेंगे नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट। इसका मतलब ये हुआ अगर इन्फ्लेशन जोड़ना है तो दोनों तरफ जुड़ेगा, कैश फ्लो में भी, अगर कैश फ्लो में मैं इन्फ्लेशन जोड़ दूं तो उसका नाम क्या रहेगा, नॉमिनल कैश फ्लो, और डिस्काउंटिंग रेट में इन्फ्लेशन जोड़ देता हूं तो उसका नाम क्या रहेगा, नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट। बिना इन्फ्लेशन को इसको मैं क्या नाम दे रहा था, रियल कैश फ्लो और रियल डिस्काउंटिंग रेट। यहां तक बात समझ में आ गई जी सर, तो लिखोगे inflation rates are given in question, then we should incorporate inflation in capitalist
पहले नंबर पे हमको निकालना पड़ेगा कैलकुलेट, लिख लेते स्टेप नंबर वन कैपिटल स्टेप। कैलकुलेट नॉमिनल कैश फ्लोस फ्रॉम रियल कैश फ्लो। नॉमिनल कैश फ्लो को मैं क्या बोल रहा हूं, इन्फ्लेटेड कैश, और ये विदाउट इन्फ्लेशन। फॉर्मूला है नॉमिनल कैश फ्लो इज इक्वल टू रियल कैश फ्लो वन प्लस इन्फ्लेशन टू द पावर। सर क्या फॉर्मूला वो जरा बताओगे? ये बड़ा सिंपल है, सुनो। मान लो एक लाख रुपए का सेल्स बेस ईयर लिया 1 लाख रुपए का, और इन्फ्लेशन का रेट है 10%। 1 लाख रुपए का सेल्स है, इन्फ्लेशन का रेट है 10%, तो मुझे बताओ पहले साल सेल्स, अगर इन्फ्लेशन ये विदाउट इन्फ्लेशन है, पहले साल सेल्स कितना आएगा? सर 10% बढ़ा देंगे। हाँ तो 1 लाख प्लस 10% 1,10,000। दूसरे साल कितना आएगा? दूसरे साल भी 1 लाख ही है बिना इन्फ्लेशन के, पर अब इन्फ्लेशन दो बार ऐड होगा ना, मतलब 1.10 इनटू इक्वल टू इनटू 1 लाख, तो अब की बार कितना आ जाएगा? 1,21,000। ठीक है। अच्छा सर तो 10% पर एनम है? हाँ बेटे उस हिसाब से मुझे जोड़ना पड़ेगा। ओके ठीक है सर, बात समझ में आती है। अब बाद में डिस्कस करेंगे इस मैटर। स्टेप नंबर कैलकुलेट नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट फ्रॉम रियल डिस्काउंटिंग रेट। फॉर्मूला ऐसा है नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट इज इक्वल टू फैक्टर इनटू फैक्टर। फैक्टर इनटू फैक्टर सर लॉजिक समझा रहा हूं। सर फैक्टर इनटू फैक्टर क्या होता है? सीधा 1 प्लस रियल डिस्काउंटिंग रेट 1 प्लस इन्फ्लेशन, चाहो तो बाद में -1 कर सकते हैं, इनटू 100 कर सकते। अच्छा सर लॉजिक क्या है बेटे? एक बात बता, हालांकि ये मैंने आपको कहीं डिस्कस किया था इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट में फॉरेक्स में, पर याद नहीं होगा, समझा। दिस इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार मुझे ना एक पेन खरीदना और मेरे पास है 100, ठीक है, और सर ये पेन कितने का आ रहा? पेन आ रहा 110 रुपए। क्या करूं यार समझ में नहीं आ रहा, 100 रुपए रखे हुए हैं, पेन आ रहा 110 का, 110 रुपए लाऊं तो कहां से लाऊं, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बैंक गया, उनका बैंक सुनो ना मुझे ना 1 साल बाद पेन खरीदना, आज नहीं खरीदना, आज तो है ही नहीं पैसे। पेन कितने का है? पेन है 110 का। तो मुझे बैंक प्लीज आप कितना यहां मैं आज जमा कर रहा हूं 100 रुपए, 1 साल बाद मुझे चाहिए 110 रुपए, तो बैंक बता सकते मुझे कितना रिटर्न देगा, कितना मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? सर दिख रहा है आपको चाहिए 1 साल बाद 110 रुपए, तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। बैंक मुझे 10% रिटर्न देगा और 10% मुझे चाहिए।
तो मैंने कहा बैंक अगर मैं आपके पास 100 रुपए जमा करूं तो प्लीज आप इतना पैसा दे देना एक साल बाद कि हम पेन खरीद सकते हैं। ठीक है जी, ओके सर। मतलब मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। अभी तक ठीक है, अब पिक्चर में है इन्फ्लेशन का रेट 10% अलग से। अब आराम से सोचना, ये इन्फ्लेशन का रेट, इन्फ्लेशन का रेट मैं 100 रुपए में जमा करूं तो मैंने कहा बैंक इतना पैसा दे देना कि एक साल बाद में पेन खरीद सकता हूं। बैंक कहेगा ठीक है भैया 110 लेना, क्योंकि पेन अभी 110 का है, लेकिन एक साल बाद पेन 110 का नहीं होगा, 10% महंगा हो जाएगा। तो 110 1.10 तो बोलो कितना हो जाएगा, 121 रुपए। तो फिर मैं बैंक से कहूंगा बैंक मुझे एक साल बाद 110 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 121। मतलब मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 21%। सवाल ये है कि इन्फ्लेशन की वजह से मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया है, 21%। दिस इज नॉमिनल, इसको बोलते हैं नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट। रियल कितना था, 10। आप इसको 21 आएगा कैसे, तो सीधा आएगा फैक्टर 1.10, इन्फ्लेशन 1.10 इंटू 1.10 1.21। अच्छा सर, इसको याद करना पड़ेगा कि हाँ भाई इसको याद करना पड़ेगा, और याद आप कर लोगे, बाकी मैं प्रैक्टिस करूंगा वो मेरे। ठीक है यहां तक जी सर। फैक्टर इंटू फैक्टर 1+RTR 1+, चलो जी एक एग्जाम्पल करवा रहा हूं, और प्रोजेक्ट मान लो 1 लाख, ठीक है चलेगा सर। लाइफ मान लो बेटा 3 साल, CF 80 ₹60,000 पर एनम, कुछ ना दिया तो रियल मान के चलो रियल। सर 60,000 पर एनम का मतलब समझाओगे दूसरी लैंग्वेज, दैट इज इसको समझा रहा हूं, पहले साल भी 60,000, दूसरे साल भी 60,000, और तीसरे साल भी 60,000। ओके, इसका मतलब यही हुआ ना। हाँ सर ठीक। डिस्काउंटिंग रेट ना दिया हो तो रियल 10%, और इस बार मैं आपको इन्फ्लेशन रेट दे रहा हूं, इन्फ्लेशन रेट 5%। कैलकुलेट एनपीवी टेकिंग रियल कैश फ्लो एंड रियल डिस्काउंट, मतलब कोई इन्फ्लेशन की जरूरत नहीं। कैलकुलेट एनपीवी टेकिंग नॉमिनल कैश फ्लो एंड नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट। अब मतलब अब इन्फ्लेशन, ये विदाउट इन्फ्लेशन और ये इन्फ्लेशन, तो विदाउट इन्फ्लेशन तो बनेगा, पहला काम तो कर ही लेते हैं। क्या क्या करना है जी मुझको, एनपीवी निकालना है, रियल कैश फ्लो लेना है, और रियल डिस्काउंटिंग रेट लेना, तो कुछ इश्यू नहीं। 60,000 60,000 60,000, तो सीधा PVAF ले सकता हूं मैं, NPV फिर भी अलग अलग कर देता हूं, क्या फर्क है। 60,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 1 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 2 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 3 माइनस 1 लाख, एनपीवी आ गया हमारा।
60,000 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू एम प्लस 60,000, दो बार इक्वल टू एम प्लस 60,000, एक दो तीन एम प्लस एमआरसी माइनस एनपीवी आ गया बेटे 492। दूसरा तरीके से काम करना, दूसरा मेथड क्या हो गया, रियल नॉमिनल कैश फ्लो एंड नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट से निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, नॉमिनल कैश फ्लो पहले साल का 60,000, इन्फ्लेशन ऐड करना, इन्फ्लेशन का रेट कितना 1.05, तो 60,000 इंटू 1.05 तो आंसर आ गया 63,000। दूसरे साल 60,000 इंटू 1.05 पावर 2, तो 1.05 इंटू इक्वल टू इंटू 60,000 आंसर आएगा 66150। अब देखो बेटे कुछ बच्चे दिमाग चलाते हैं, तो दिमाग चला के वो बोलते सर 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 एक और तरीका है ना, इसी में 5% ऐड कर दो तो यही आ जाएगा। अच्छा 63,000 प्लस 5% यही तो आ गया। हाँ बेटे ऐसा कर सकते हो, पर मैं आपको सही सही जो लॉजिक है ना उसके, 60,000 तो एक बार 5%, ये 60,000 आज के हिसाब से, पर ये दूसरे साल का है तो दो बार 5%, बाकी शॉर्टकट आप मार लीजिए, आप खुद कंफ्यूज मत हो जाना। बस 60,000 1.05 पावर 3 तो ये आ गया 69,450। तो नॉमिनल कैश फ्लो तो निकल गया, अब क्या निकालना हमको, नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट। तो चलो तैयार है, एंड यार फैक्टर इनटू फैक्टर, फैक्टर कितना है 1.10 मल्टीप्लाई 1.05, तो 1.10 इंटू 1.05 1.155 दैट इज 15.5%। अब क्या करना है हम लोगों को, अब एनपीवी निकाल लेते हैं सिंपल। पहले साल कितना 63,000 डिवाइडेड बाय 1.155 पावर 1 प्लस 66150 डिवाइडेड बाय 1.155 पावर 2 प्लस 69457 डिवाइडेड बाय 1.155 पावर 3 माइनस कितना करोगे 1,00,000। तो आंसर आ गया 49211। सर आप बेवकूफी नहीं हो रही है आपकी, मतलब फर्क क्या पड़ रहा है, आप रियल रियल ले लीजिए, नॉमिनल नॉमिनल ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटे, कोई फर्क नहीं। तो सर पहले जैसा था वही तो अच्छा है। हाँ लेकिन कभी कभी सेलिंग प्राइस जो होता है उसमें अलग रेट से इन्फ्लेशन होता है, मटेरियल कॉस्ट अलग रेट से इन्फ्लेशन होता है, वेरिएबल कॉस्ट अलग रेट से इन्फ्लेशन होता है, पहले साल का इन्फ्लेशन का रेट कुछ और होता है, दूसरे साल का कुछ और होता है, तीसरे साल का कुछ और होता है। इन सब सिचुएशन की वजह से मुझे नॉमिनल के हिसाब से करना पड़ेगा, नहीं तो कोई इश्यू नहीं। डेप्रिसिएशन पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। डेप्रिसिएशन सुनो, डेप्रिसिएशन का मतलब देना है कि नहीं देना, नहीं देना किसी को, बस खर्चे में हम दिखा दें तो उस पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो सब हमको कंसीडर करना पड़ता है, इसलिए ये अप्रोच हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक, तो टोटल मिलाकर दो एग्जांपल करवाने थे, पहला मैं करवा चुका हूं और एक एग्जाम्पल ले रहे थे, उसके बाद सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ओके सर, चलो जी बात को समझते हैं, काम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मशीन
1,30,000 3 years. Depreciation. Asana. Solvency. Zero. Tax credit 30%. Selling price. Per unit. Rupees. 60. Variable cost per unit. Rupees 20. Rental. 20 rental. Fixed cost ले लीजिए रुपीज 1,00,000 और प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर में 10,000 यूनिट्स, सेकेंड ईयर में 10,000 यूनिट्स और थर्ड ईयर में 5,000 मतलब अलग है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। अच्छा इस बार थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट दे देता हूं। नॉमिनल डिस्काउंट 15.5% और दे देता हूं इन्फ्लेशन रेट्स महंगाई कितना परसेंट 5% पर एनम। आपको एनपीवी निकालना है टेकिंग रियल कैश फ्लो एंड रियल डिस्काउंटिंग रेट टेकिंग नॉमिनल कैश फ्लो एंड नॉमिनल डिस्काउंट। सर ये जो कैश फ्लो दिया है वो क्या दिया रियल रियल ओहो और हमको बात किसकी करना है नॉमिनल की। ठीक तो अब हम लोग काम करने जा रहे हैं। सबसे पहला रियल कैश फ्लो एंड रियल डिस्काउंटिंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ना यार मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा 15 रुपए ले रहा हूँ 50 तो ईयर 1, 2, 3 सेल्स 10,000 × 60 कितना होता है 6,00,000 सॉरी वेरिएबल कॉस्ट लिया 30 रुपए तब अच्छे से हो जाएगा ये कुछ ज्यादा एनपीवी आ जाएगा ना तो ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक तो 10,000 × 60 6,00,000 माइनस 6,00,000 नहीं सर यहां तो 5,000 × 60 होगा ना यस 3,00,000 सॉरी माइनस वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपए लिया हूं तो 10,000 × 30 3,00,000 और यहां 1,50,000 ये सब रियल ले रहा हूं मैं ना माइनस क्या हो जाएगा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना 1,00,000 तो सर ये जो आया इसका नाम क्या रहा सी एफ डी टी फिक्स कॉस्ट ऑफ फिक्स होता है
छह में से तीन, 2 लाख बचा है यहाँ, यहाँ भी 2 लाख और यहाँ भी 2 लाख। माइनस क्या होगा? सो डेप्रिसिएशन, बिल्कुल कितना है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 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 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3, 40,000 अब जो आया हुआ है पीबीटी 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000। तो अब जो आएगा टैक्स, टैक्स का रेट कितना है जी? 30%, 0.3 × 1,60,000, 48,000। तीन लाख माइनस 1,50,000 माइनस 1,00,000, अब 50,000 आएगा, यहाँ आ जाएगा 10,000। हाँ, और यहाँ टैक्स आएगा 10,000 × 30%, 3,000। अब ये हो गया 1 और ये हो गया, तो क्या आ जाएगा सी एफ ए टी 2,48,000, 1,52,000 और यहाँ भी क्या आएगा 1,52,000 और यहाँ 50,000 माइनस 3,000, 47,000। सी एफ ए टी तो निकल गया, अब मुझे तो क्या चाहिए? ये कौन सा कैश फ्लो निकला बेटे? रियल। अब मुझे कौन सा चाहिए? नॉमिनल, रियल डिस्काउंटिंग रेट। किस्मत से नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट दिया है, तो फैक्टर डिवाइडेड बाय फैक्टर हो जाएगा, सीधी सी बात है। रियल निकालना, इन्फ्लेशन हटाना है, 1.155 डिवाइडेड बाय 1.10, फैक्टर डिवाइडेड बाय फैक्टर 1.05, तो 1.155 डिवाइडेड बाय 1.105, 1.1 That is 10%. क्या अब एनपीवी निकल सकता है? यस, एनपीवी, हाँ जी एनपीवी निकाला, पहले साल 152,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 1 प्लस 1,52,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 2 प्लस 47,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 3 माइनस 1,52,000 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू एम प्लस 152,000 दो बार इक्वल टू एम प्लस 1, 2, 3 माइनस 1,20,000। एनपीवी आ गया 1,719,113। ये किसको बेस लिया? रियल। अब क्या करेंगे? नॉमिनल, नॉमिनल। सर इन्फ्लेशन का रेट सेल्स में, वेरिएबल कॉस्ट में, फिक्स कॉस्ट में सब में सेम है? हाँ सर, फिक्स कॉस्ट भी महंगा होता। हाँ भाई, रेंट है तो रेंट तो महंगा होगा। तो सर इन्फ्लेशन मतलब हमको 5% से बढ़ाना है, तो किसको बढ़ाए? सेल्स को या वेरिएबल कॉस्ट को या फिक्स कॉस्ट को? जबकि तीनों ही 5-5% से बढ़ना है, ये 5%, ये 5+5, ये 5+5+5। तो सर सीधा सीएफएटी को नहीं बढ़ा सकते कि? नहीं बेटे, आप सीएफएटी में कभी इन्फ्लेशन नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि डेप्रिसिएशन पे कभी इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता। हमको इन्फ्लेशन का इफेक्ट डालना है तो हम सीएफबीटी से डाल सकते हैं, एक कंडीशन में जब सब में इन्फ्लेशन का रेट एक जैसा हो। ओके सर, तो स्टार्ट कहां से करूंगा मैं क्वेश्चन में? सीएफबीटी से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि तो सबको मुझे कितने कितने परसेंट से बढ़ाना है? 5%, 5%, 5%, 5%। तो सीएफबीटी मेरा पहले निकला हुआ है, उसी पे मैं इन्फ्लेशन का इफेक्ट डालूंगा। तो अब मुझे क्या लेना है? नॉमिनल कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग रेट नॉमिनल तो दिया हुआ है।
तो CFPT 2 लाख कितने परसेंट से बढ़ाना, 5%, 1.05 इंटू 2 लाख, तो ये आगे बच्चे 2 लाख, ये सेकेंड ईयर किया तो दो बार 5%, 1.05 इंटू इक्वल टू इंटू 2 लाख, 2205, ये थर्ड ईयर का तो 3 बार 1.05 इंटू इक्वल टू इक्वल टू इंटू 50, ये आ गया 5781। ठीक, डेप्रिसिएशन पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है तो माइनस क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन 40,000, 40,000, 40,000, तो यहां आ गया पीबीटी 2,10,40,000, 2,20,500 - 40,000, 1,805,000, 5,781 - 40,000, 1,7,881. अब क्या होगा, टैक्स, टैक्स का रेट कितना ले ले, 3 × 1,70,000, 51,000, 1,805,000, 5,415,000, 1,78,1,5,3,6,4, तो ये है CFPT और ये है टैक्स, तो सीधा क्या जाएगा CFAT 2,10,000 - 51,000 1,59,000, 2,20,500 - 54,150, 1,66,350, 5,251 - 5,364, 5,251, ये कौन सा कैश फ्लो आ गया, नॉमिनल, और नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट दिया है तो सीधा सीधा क्या निकालोगे, एन 1,59,000 डिवाइडेड बाय 1.155 पावर 1 प्लस 1,66,350 डिवाइडेड बाय 1.155 पावर 2, 5,251,7 डिवाइडेड बाय 1.155 पावर 3 माइनस 1,20,000 159,000 डिवाइडेड बाय 1.155 इक्वल टू एम प्लस 1,66,350 दो बार इक्वल टू एम प्लस 5,251,7 1,2,3 एम प्लस MRC माइनस 1,20,000, तो आंसर आ गया 1,76,444। NPV थोड़ा सा लगाएगा, उसकी वजह सिर्फ क्या है, डेप्रिसिएशन। तो ये इन्फ्लेशन का टॉपिक था, छोटा सा, 2-3 क्वेश्चन है जो अगली क्लास में हम कर लेंगे, खत्म हो जाएगा हमारा इन्फ्लेशन। थैंक यू। तो इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट किया पिछली क्लास में, अब इस क्लास में क्वेश्चंस हो जाए सारे, पिछली क्लास में क्या, इसी क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन हम काम कर लेते। लास्ट क्लास में तो हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस किया, तैयार हूं इन्फ्लेशन के क्वेश्चन करने जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 6, तैयार हो? जी सर। लिखा, अ फर्म कंसीडरिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 75,000 ऑन मशीन, 75,000 रुपए आप मशीन में लगा रहे हैं, लाइफ है 4 इयर्स, ठीक है, नील रेसिडुअल वैल्यू है, दिस मशीन विल प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट टू सेल एट रुपीज 60 पर क्वांटिटी ऑफ 1,000 पर है। अगर मैं बेस की बात करूं तो सेलिंग प्राइस है 60 रुपए और 1,000 यूनिट्स बेचेंगे हमको ऐसा लग रहा है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ईच मैन्युफैक्चर्ड वुड बी मटेरियल 10, लेबर
10 घंटे दो के हिसाब से 20 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड 5 रुपए, ठीक 35 का खर्चा। ड्यू टू इन्फ्लेशनरी कंडीशन मटेरियल कॉस्ट ओवरहेड एंड सेलिंग प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ 15% पर है। सुना ध्यान से क्या बोला जा रहा, बोले मटेरियल ओवरहेड और सेलिंग प्राइस बोले बेस से हर साल 15% बढ़ेगा, महंगा होगा, जबकि जो लेबर है ना वो ज्यादा रेट से बढ़ेगा, 20% से बढ़ेगा। हाँ भाई लेबर का शायद खर्चा ज्यादा आने लगा है, तो ये जितने भी कैश फ्लो दिया है वो रियल कैश फ्लो, उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉमिनल कैश फ्लो में, और नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट दे रखा 20%, उसका फैक्टर भी दे रखा है। इज द परचेस ऑफ न्यू मशीन वर्थ वाइल इन टर्म ऑफ नेट एनपीवी, तो बस कुछ करना नहीं, जल्दी जल्दी से काम हो जाएगा। देखोगे कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, बेस्ड ऑन नॉमिनल कैश, नॉमिनल कैश फ्लो को हम बेस ले रहे हैं, ये ले ले 1, 2, 3, 4। सबसे पहले क्या जाएगा, सेल्स कितना यूनिट 1000, अभी सेलिंग प्राइस है कितना 60, तो यहां बेस में लिख दिया मैंने 60,000, पर पहले साल कितने परसेंट का ग्रोथ दिख रहा है आपको सेल्स में, 15%, तो 1.15 इंटू 60,000, तो यहां आ जाएगा बेटे 69,000, यहां आएगा 79,350, यहां आ गया 91 टू फैक्टर, और यहां 1049 40, इसमें से माइनस होगा सर कौन सा कॉस्ट, इसमें से सबसे पहले कौन सा कॉस्ट माइनस कर ले, मटेरियल माइनस कर लेते, मटेरियल कॉस्ट कितना यूनिट है, एक यूनिट पे मटेरियल कितना लग रहा है 10, उस हिसाब से कितना रुपए हो गया 10,000, मटेरियल का कॉस्ट कितने परसेंट से बढ़ रहा है 15% से, ये भी 1.15 इंटू 10,000 11,500 13225 152 09 ले लो, ठीक है सर चलेगा, एंड 17490। इसके अलावा लेबर भी है क्या, यस, तो लेबर आज के हिसाब से हमने सोचा कि कितना लगेगा लेबर, हमने कहा यार 1000 यूनिट्स बनाना है और लेबर हमसे 20 रुपए के हिसाब से ले लेगा, कितना 20,000 रुपए ले लेगा, पर भाई आज के हिसाब से क्यों सोच रहा, महंगा होगा, एक साल बाद तो भाई लेबर का पैसा और देना, ज्यादा देना पड़ेगा ना, तो कितने परसेंट से लेबर महंगा हो रहा है जरा देखते हैं, इन्फ्लेशन का रेट कितना परसेंट है, 20% महंगा हो जाएगा, मतलब 20,000 सोच रहे पर 20,000 नहीं, 1.20 इंटू 20,000 आपको 24,000 देना पड़ेगा, यहां तो और भी महंगा 2880 34560 एंड 41472। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लिख लेते, ओवरहेड रेंट वेंट कितना रुपए, 5 रुपए वेरिएबल ओवरहेड है, तो रेंट वेंट नहीं इलेक्ट्रिसिटी है, 1000 × 5 कितना बेस है 5,000, और ओवरहेड में 15% का इंक्रीमेंट है 1.15 × 5,000 57506612 7604 and 8745
अब इसमें डेप्रिसिएशन और टैक्स वाला कोई चक्कर ही नहीं है, तो सीधा क्या कर लेते, यही हमारा सीएफडी आ जाएगा, कैश इनफ्लो 69,000 माइनस 11,500 माइनस 24,000 माइनस 5750, तो ये आ गया 27,750 79,350 माइनस 13,225 माइनस 28,800 माइनस 6,612 मल्टीप्लाई किससे करोगे सर? नॉमिनल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट, और जो कि दिया हुआ है कितना परसेंट, 20%, और फैक्टर दिया है 0.83 0.69, उसके बाद 0.59 और 0.48, तो अब सीधा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू कैश इन, सीधा लिख रहा हूं 27750 इंटू 0.83 30713 इंटू 0.69 33879 इंटू 0.59 एंड 39933 इंटू 0.48, तो ये आ गया बेटे 8381। इसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो एनपीवी जाएगा, कॉस्ट कितना है जी 75,000। ये जो आया एनपीवी 83381 माइनस 75,000, और एनपीवी आया 8381, कहीं चेक करना पड़ेगा, तो बेटे यहां गड़बड़ हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, 104940 माइनस 17490 माइनस 41472 माइनस 8745, तो यहां गड़बड़ है और यहां है 37233। अब देख लेते हैं 27750 इंटू 0.83 एन प्लस 30713 इंटू 0.69 एन प्लस 33879 इंटू 0.59 एन प्लस 37233 इंटू 0.48 एन प्लस एमआरसी, तो ये आ गया 82085 ले लो, माइनस कर रहे हो आप 75,000, तो ये आ गया 7085। एनपीवी पॉजिटिव है, अगर आपकी बुक में आंसर दिया 7055 उसको करेक्ट कर लीजिए, वो आंसर है 7085, और जिनके बुक में करेक्शन हो चुका है बहुत अच्छी बात है, कोई इश्यू नहीं। बताइए बेटे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करे कि नहीं, यस, तो क्या जाएगा आंसर, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, हेंस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। सिंपल सा क्वेश्चन था इन्फ्लेशन का जो हमने कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा, इन्फ्लेशन के टोटल सर कितने क्वेश्चन है हमारी बुक में? टोटल मिलाकर हमारी बुक में 4 क्वेश्चन है, और खास बात है कि इसमें कोई होमवर्क नहीं दूंगा, चारों ही मैं करवाऊंगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 17। चलो आगे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 19
पेज नंबर सिक्स पढ़ते ही क्या लिखा, लिखा एश एंटरप्राइजेस लिमिटेड जनरेटेड द फॉलोइंग फोरकास्ट इन रियल टर्म, अंडरलाइन करो रियल टर्म। रियल टर्म का मतलब क्या होता है, रियल कैश फ्लो फॉर कैपिटल वेस्ट। ईयर जीरो में जाएगा आपके जेब से 1210, फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू है 1900 1900 एंड सेकेंड ईयर में 2000, कैश एक्सपेंस 950,000, डेप्रिसिएशन 605 60। एज द प्रेसिडेंट एस्टिमेट द इन्फ्लेशन टू बी 10% पर ईयर, अंडरलाइन करना पर ईयर। इसका मतलब है अगर रेवेन्यू 1900 तो पहले साल कितना दिख रहा हो, 1900 में 10% बढ़ा देंगे। ईयर टू में क्या आएगा, 2000 में सर 10% नहीं, 2000 प्लस 10% प्लस 10%। ये बात मैं आपसे कर चुका, ठीक है। तो भाई इन्फ्लेशन का रेट है 10% महंगी हो जाएगी दो साल में चीज। इन एडिशन एश बिलीव दैट कैश फ्लो प्रोजेक्ट शुड बी डिस्काउंटेड, अंडरलाइन करो नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट दे रखा 15.50%। नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट दिया और कैश फ्लो रियल दिया हुआ। टैक्स का रेट है 30%। एनपीवी बेस्ड ऑन नॉर्मल कुछ नहीं होता, नॉमिनल कैश फ्लो टेक्निक। नॉमिनल का मतलब नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट दिया है, बस इन्फ्लेशन एड करके हमको नॉमिनल कैश फ्लो निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ नॉमिनल कैश फ्लो एंड नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट। ईयर वन, ईयर सबसे पहले बात किसकी चल रही थी, रेवेन्यू सेल्स 1900 है, कितने परसेंट है इन्फ्लेशन का रेट चेक करो बेटे 10%, तो 1.10 इंटू 1900 2090। सेकेंड ईयर का 2000, 1.10 इंटू 2000, ये गलती हो जाती है, लोग यहाँ 2200 लिखते लेकिन बेटे यहाँ आएगा 2400। ये मैं पहली क्लास में डिस्कस कर सकता, यहाँ 10% और यहाँ जो भी होगा उसका 10+10 पर है ना मैं, ठीक है सर। माइनस क्या करोगे, कैश एक्सपेंसेस कितना है 950, 1.10 इनटू 950 104, और यहां कितना जाएगा 1000, 1.10 इनटू 1000 इक्वल टू 1210। तो यहां जो आएगा इसको मैं सी एफ बी टी बोल सकता हूं, 2090 माइनस 1045 और यहां तो 1210। माइनस क्या करोगे, डेप्रिसिएशन में कभी इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डेप्रिसिएशन कोई किसी को देते थोड़ी ना कि वो चीज महंगी हो जाएगी, वो तो उतना ही रहेगा 605 नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो सर ये आ गया पीबीटी, बिल्कुल ओपो जीरो, अब क्या जाएगा टैक्स, और टैक्स का रेट 30% है शायद, तो 440 इंटू 30% 132, 605 इंटू 30% 181.50 आया है, तो सीधा सी एफ ए डी आ जाएगा, ये 1 तो 1 माइनस 2 1045 माइनस 132 913 और 1210 माइनस 181.50 आ गया 1028.50 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, वो लेना है नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट दैट इज 15.5%।
वन डिवाइडेड 1.155, तो यहाँ चार मिल लेते यानी 0.8658, 0.7496. अब सीधा ले लेते प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन 1131.8658 and 1028.50 into 0.7496. तो ये आ गया बेटे 1561.44 माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना दिख रहा है, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1210. तो क्या एनपी भी निकल जाएगा? यस, 1561.44 minus 1210, तो ये आ गया बेटे 351.44. ये उसने डिसीजन नहीं पूछा, उसने बस इतना बोला है कि आप एनपीवी निकालिए, जो कि हम निकाल रहे हैं. फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, पॉइंट नंबर टू, अब की बार क्वेश्चन में ये लिखा है कि आप वर्कआउट एनपीवी बेस्ड ऑन रियल कैश. कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी रियल कैश फ्लो एंड रियल डिस्काउंटिंग रेट लेकर काम करना है हम लोग, और हम अच्छे से जानते हैं कि रियल डिस्काउंटिंग रेट कैसे निकलता है, 1.155 डिवाइड मार देंगे 1.10 से, माइनस 1 कर देंगे. रियल निकालना है तो डिवाइड, नॉमिनल निकालना है तो मल्टीप्लाई, 1.155 डिवाइड बाय 1.10 माइनस 1, 105% 0.05 दैट इज 5% से डिस्काउंटिंग कर देंगे. तो तैयार है ईयर 1. अब इन्फ्लेशन नहीं जोड़ना है, सीधा सीधा क्या लिखना है, रेवेन्यू कितना 1900 2000 माइनस क्या होगा कैश एक्सपेंस, जो दिया वो लिखना 950 and 1000. जो आया उसका नाम क्या रहेगा, सी एफ बी टी 950 and 1000. अब क्या होगा, अब माइनस क्या होगा डेप्रिसिएशन 605. डेप्रिसिएशन के बाद जो आएगा उसका नाम रहेगा पीबीटी 950 minus 605 345 1000 minus 605 395. अभी क्या लगेगा टैक्स, टैक्स का रेट कितना है 30% 345 into 30% 1035 1185.50. इसको ले लिया 2, तो अब सीधा क्या निकल आया सी एफ एटी 1 minus 2 कर दो 950.50 minus 1035.50 बेटे ये आ गया 846.50 1000 minus 118.50 तो ये आ गया 881.50 मल्टीप्लाई होगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, लेकिन अब की बार रियल डिस्काउंटिंग रेट जो कि कितना निकाला आपने 5%, तो 1 divided by 1.05 पहले साल का फैक्टर आ गया 0.9295. 2.3 है तो 2.4 ले लेता हूं, और दूसरे साल का आ गया 0.9070.
अब सीधा क्या निकाल लेता हूं मैं, पीवीसीआई 846.50 इंटू 0.9524 एम प्लस 881.50 इंटू 0.9070 एम प्लस एमआरसी, तो ये आ गया बेटे 1605.73 ले लेता हूं। माइनस क्या करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि कितना 1210, इसमें एनपीवी आ गया 1605.73 माइनस 1210, तो ये आ गया 395.73। थोड़ा सा अंतर आ रहा डेप्रिसिएशन की वजह से, ये बात इसमें कहीं भी डिसीजन नहीं पूछा, अगर डिसीजन पूछता तो फिर सोचते कि क्या करना है क्या ना। उसने कहा कि बस आप एनपीवी निकालिए, और हम लोगों ने एनपीवी निकाल लिया। सर और कोई क्वेश्चन बचा हुआ है क्या, देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन नंबर 40 पे आई, क्वेश्चन नंबर 40 पेज नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 40 पेज नंबर 60 ये आपके प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन, और कम से कम दो बार आया हुआ है, प्रैक्टिस मैनुअल में ही दो दो बार दिया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्लियर जी सर। लिखा शशि कंपनी लिमिटेड हैज प्रोजेक्टेड द फॉलोइंग कैश फ्लो फ्रॉम ए प्रोजेक्ट अंडर इवैल्यूएशन। मैंने आपसे ये कहा था कि जब समझ में ना कैश फ्लो तो रियल मानते हुए चलना, जीरो पीरियड में थोड़ा सा मिसप्रिंट है देखते हुए, जीरो पीरियड में 72 लाख जाएगा, फर्स्ट ईयर में 30 लाख आएगा, सेकंड ईयर में 40 लाख आएगा, थर्ड ईयर में 30 लाख आएगा, दिस इज रियल कैश फ्लो। तो अब वो कैश फ्लो हैव बीन मेड एट एक्सपेक्टेड प्राइस, ओ हो जो ऊपर कैश फ्लो दिया हुआ है उसमें इन्फ्लेशन को कंसिडर कर लिया गया, मतलब ये रियल नहीं है, ये नॉमिनल है, ठीक है ये तो अच्छा है। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया 10%, ये तो रियल मानना पड़ेगा भाई आपको। The expected annual rate of inflation है 5%। Show how the viability of the project is to be evaluated। Present value factor 10% के हिसाब से दिया हुआ है। Present value factor 10% के हिसाब से दिया हुआ है। तो दो तरीके हैं क्वेश्चन के, जो नॉमिनल कैश फ्लो उसको रियल कर लो और रियली डिस्काउंटिंग, या तो जो रियल कैश फ्लो है उसको नॉमिनल में कन्वर्ट कर दीजिए, और नॉमिनल में कन्वर्ट, नॉमिनल तो है ही, डिस्काउंटिंग रेट नॉमिनल कर दो, जो तरीका अच्छा लगता है वो करो। और मुझे क्या अच्छा लग रहा है सर, हमें अच्छा लग रहा है कि हम नॉमिनल कैश फ्लो ही रहने थे, डिस्काउंटिंग रेट जो है डिस्काउंटिंग रेट उसको नॉमिनल में कन्वर्ट कर ले, ये ज्यादा। तो सुनना ध्यान से सुनना, सर दोनों ही क्यों नहीं करवा देते, दोनों भी करवा सकते हैं पर दोनों एग्जाम में आपको करना नहीं है ना। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी छोड़, नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट में निकाल लेते, नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट एनडीआर में मल्टीप्लाई हो करते ही आपको पता है नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट इज इक्वल टू रियल डिस्काउंटिंग रेट कितना है 10%, और इन्फ्लेशन का रेट कितना है 5% माइनस 1.10 इंटू 1.05 माइनस 1 इंटू 100 15.5%, ठीक है। अभी क्या निकल रहा है एन, ऊपर जो दिया वो नॉमिनल है, 30 डिवाइडेड बाय 1.155 ऐसा ले लूं पावर 1, फैक्टर दिया है क्या, ओहो फैक्टर दिया हुआ है, फैक्टर अगर क्वेश्चन में दिया तो चैलेंज नहीं होगा, 30 इंटू
सर सर पर ये तो 10% का फैक्टर है, कोई बात नहीं, मैं इसका फैक्टर निकाल देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1.155 पॉइंट, उसमें कितना डिजिट में दिया है 3, तो इसको भी मैं 3 ही निकालना, 866 प्लस फिर कितना आएगा बेटे 40 इंट 749 75 प्लस फिर कितना आएगा 30 649 माइनस कितना माइनस करते 72 तो यहां सीधा लिख दे कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी नॉमिनल कैश फ्लो एंड नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट निकाल लेते हैं 30 × 0.866 40 × 0.750 30 × 0.649 −72 आंसर आ गया 3.45 एनपीवी पॉजिटिव। कहीं पूछा है क्या द फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कुछ बोला नहीं है कि आपको क्या करना है, इवैल्यूएशन वगैरह कुछ नहीं बोला, बस सो द वायबिलिटी, वायबिलिटी बोला है। आंसर क्या जाएगा, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव हेंस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, अल्टरनेटिव भी आप कर सकते हैं, मैं अल्टरनेटिव भी बता सकता हूं कैसे करना है। अल्टरनेटिव आप एनपीवी ऐसे बोल सकते थे, रियल कैश फ्लो ले लेते और रियल डिस्काउंटिंग रेट ले लेते, ठीक है सर। रियल कैश फ्लो बिट्टे पहले साल का कैश फ्लो कितना, 30 लाख डिवाइडेड बाय 1.05 कर देता मैं, इन्फ्लेशन हटा देता तो ये आ जाता 28.571। दिस इज रियल कैश फ्लो, सेकंड ईयर यहां कर देता 1.05 तो 40 डिवाइडेड बाय 1.05 एक दो तो ये आ जाता 36.281 और थर्ड ईयर में फिर कितना है 30 इन्फ्लेशन का रेट है 5% पावर 3 हो जाता है 30 डिवाइडेड बाय 1.05 एक दो तीन तो ये आ जाता 25.915 और रियल डिस्काउंटिंग रेट हमको मालूम है कितना परसेंट है 10% और 10% का फैक्टर दिया हुआ है कितना फैक्टर 0.909 0.826 और 0.751 तो 28.571 × 0.909 तो यहां ज्यादा 25.971 36.281 × 0.826 ये आ जाता बेटे 29.968 एंड 25.915 × 0.751 तो ये आता 19.462 को जोड़ देते 25.971 प्लस 29.968 प्लस 19.462 75.401 दिस इज PVCI इसमें से माइनस कर देते कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 72 आंसर कितना आ गया 3.401 थोड़ा सा अंतर आएगा फैक्टर। अच्छा सर तो ये भी एक क्वेश्चन था, आंसर दोनों ही आप सुनो दोनों से नहीं करना, या तो इससे कर लो या तो उससे कर लो, ये फ्रैक्शन की वजह से अंतर आया नहीं तो दोनों का एनपीवी एक जैसा आएगा, डेप्रिसिएशन का क्योंकि कोई रूल नहीं है। मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा तो मैं ऐसे ही करूंगा, ऐसे नहीं। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 40।
तो लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग इन्फ्लेशन का, और इन्फ्लेशन हमारा खत्म हो जाए, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 पेज नंबर 21। स्टार्ट करें। लिखा KLM रिक्वायर, KLM लिमिटेड रिक्वायर रुपीज 15 लाख फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। 15 लाख रुपए चाहिए, यूजफुल लाइफ है 3 साल। सैलरीज दे रखा है 0, चलो अच्छी बात है। डेप्रिसिएशन निकाल के दे दिया 5 लाख रुपए पर है। गिवन बिलो आर प्रोजेक्टेड रेवेन्यू एंड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करोगे इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन को इग्नोर किया तो ये जो कैश फ्लो है वो कौन सा है, रियल, ठीक है। रेवेन्यू दिया 10 लाख, 13 लाख, 14 लाख, कॉस्ट दे रखा 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख, टैक्स रेट है 35%। एज्यूम कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बी 14% आफ्टर टैक्स। मैंने बोला था कुछ ना दिया है तो इसको क्या मानना है, रियल, पर अब सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। द इन्फ्लेशन रेट्स फॉर रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एसी, इन्फ्लेशन का रेट दो दो दे रखा, रेवेन्यू का अलग दिया है, कॉस्ट का अलग दिया है। अगर इसको मैं जो डिस्काउंटिंग रेट दिया है रियल मान लू तो नॉमिनल निकलेगा कैसे भाई, इन्फ्लेशन का रेट तो अलग अलग है। तो इसका मतलब है जब भी इन्फ्लेशन का रेट अलग अलग हो, अलग अलग रेवेन्यू के लिए अलग, कॉस्ट के लिए अलग, वेरिएबल कॉस्ट के लिए अलग, लेबर के लिए अलग, तो फिर बेटे जो भी डिस्काउंटिंग रेट है वो 101% नॉमिनल ही है। 14% के हिसाब से फैक्टर दे रखा है, शो अमाउंट टू बी नियरेस्ट। अच्छा याद रखना इन्फ्लेशन पहले साल 9%, तो समझना 10 लाख + 9% 1.0 है। दूसरे साल मालूम है कितना आएगा, 30 लाख है ना, तो इन्फ्लेशन कैसे ऐड करोगे, पहले साल का 9% और दूसरे साल का 8%। खैर ये मैं करवाता हूं। अमाउंट टू द नियरेस्ट रुपीज इन कैलकुलेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एनपीवी। नॉमिनल को बेस मान के हम एनपीवी निकाल रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, नॉमिनल कैश फ्लो एंड नॉमिनल डिस्काउंटेड रेट। ईयर 1, 2, 3 थोड़ा कैलकुलेशन करना है इसके। सबसे पहले बात किसकी कर ले, रेवेन्यू। अच्छे से समझना, 10 लाख है और इन्फ्लेशन कितना है 9%। तो 10 लाख इंटू 1.09 आ जाएगा। सेकंड ईयर 13 लाख, लेकिन पहले साल का इन्फ्लेशन 1.09 और दूसरे साल का इन्फ्लेशन आ जाएगा 1.08। हाँ ये मैं पहले भी आपसे बात कर चुका, यहाँ कितना है 14 लाख, पहले साल का इन्फ्लेशन 1.09, दूसरे साल का 1.08 और थर्ड ईयर का है 1.06। निकाल लेते 10 लाख इंटू 1.09, यहां लिख देता हूं मैं 10 लाख 90,000। अब ये नॉमिनल कैश फ्लो 1.09 × 1.08 × 13 लाख। इसको ब्रैकेट में डाल दूं क्या? हाँ सर, 1.09 × 1.08 × 1.06 × 14 lakhs। आ गया 1, 7, 4, 6, 9, 6। 4 की जगह क्या ले लेते हैं, ये क्या आ गया भाई, रेवेन्यू। रेवेन्यू यहाँ इसी तरह से इसमें से क्या माइनस करोगे, कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। मेरे ख्याल से अब समझदार हो, समझ गए 5 लाख है कॉस्ट 10%, तो 5 लाख × 1.10 यहाँ जाएगा 5 लाख 50। जैसे रेवेन्यू का कर रहे वैसे कॉस्ट का कर रहे 5 लाख 50। दूसरे साल का कॉस्ट कितना दिख रहा है आपको, 6 लाख 1.10 × 1.09
इंटू 6 लाख, तो ये आ गया 719 crore. अब लास्ट ईयर का कॉस्ट देख लेते हैं. 1.10 × 1.09 × 1.07 × 6,50,000. तो ये आ गया 833,905. तो ये जो आएगा इसका नाम क्या है? इसका नाम है CFBT. 10,90,000 − 5,50,000. 1,53,036,000 − 7,19,400. अभी क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन 5 लाख लिखा हुआ है, तो यहाँ जाएगा 5 लाख. यहाँ भी कितना जाएगा? 5 लाख. और यहाँ भी कितना जाएगा? 5 लाख. डेप्रिसिएशन में कोई इन्फ्लेशन नहीं. तो CFBT 1 हो गया. ये क्या निकलेगा? PBT 40,000. 8,10,960 − 5,00,000. 313,060 − 5,00,000. 413,060. अभी क्या आएगा? टैक्स. और टैक्स का रेट कितना है? 35,000 × 14,000 = 1,08,36 = 413,060 = 1,04,571. टैक्स मतलब इसको ले लेता हूँ 2, तो सीधा CFAT आ जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. 540,000 − 14,000 = 526,000. ये कैसे है? 1 − 2. 810,960 − 1,08,36. तो ये 7021 24. एंड ये कितना आएगा? 913,060 − 1,44,571. 768,489. तो ये कैश फ्लो आ गया. नॉमिनल मल्टीप्लाई करोगे प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर. कौन सा? नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट जो कि है 14% दिया हुआ है. और क्या फैक्टर भी दिया हुआ? किस्मत से फैक्टर भी दिया हुआ. 0.877 0.769 और कितना दिया? 0.675. तो सीधा आ जाएगा PVCI. मल्टीप्लाई करेंगे 526,000 × 0.877 7,02,124 × 0.769 768,489 × 0.675 PVCI = 1,519,965 − cost of project. कितने का है जी प्रोजेक्ट? 15 लाख का प्रोजेक्ट. NPV आ गया कितना आया? 1,9,965. और NPV पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड सिंस NPV इज पॉजिटिव. हेंस प्रोजेक्ट
should be expected. तो ये क्वेश्चन नया एड हुआ है प्रैक्टिस में. तो ये इन्फ्लेशन हमारा खत्म हुआ. अगली क्लास में हीलर मॉडल करेंगे, कैपिटल वेस्टिंग खत्म हो जाएगा.